आलोट पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान 3 युवक से एक देसी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद। श्रीमान पुलिस अधीक्षक रतलाम द्वारा अवैध शराब माफिया एवं हथियार तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसमें आलोट पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 युवकों के पास से एक देसी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इन युवकों के खिलाफ आलोट पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किया है एवं थाना प्रभारी आलोट ने बताया है कि पुलिस रिमांड की भी मांग की गई है। कहीं न कहीं आजकल के युवकों को जहरीले नशीले पदार्थ का सेवन करने से दिमाग स्थिर नहीं रहता एवं कहीं न कहीं चोरी और गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या सरकार द्वारा अवैध नशीले पदार्थों पर किसी प्रकार का कोई एक्शन किया जाना चाहिए या युवा पीढ़ी ऐसे ही नशीले पदार्थों की शिकार होती रहेगी? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में अवैध शराब और अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध बहुत पहले से अभियान जारी है और आज भी जारी है। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने कल वाहन चेकिंग के दौरान 3 लड़कों को पकड़ा है, संदीप कचरू और मुश्ताक नाम के लड़के। ये इनके पास से एक देसी पिस्टल मिला है और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं और इनके खिलाफ़ हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और विवेचना जारी है और इनका पुलिस रिमांड भी हम लोगों ने मांगा है।